हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समित एंड वेलकम टू एडिटेक। मेरे चैनल एडिटेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन मनी कैसे अर्न कर सकते हो फ्री टाइम में, या जब आपको टाइम मिलता है तब आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपने बहुत से वीडियो इस पे देखे होंगे कि हाउ टू अर्न मनी फास्ट, कैसे पैसे कमा सकते हो आप घर बैठे पार्ट टाइम, कैसे पैसे कमा सकते हो। तो आपको मेरा ये वीडियो मिला होगा। तो क्या खास है मेरे वीडियो में, इसमें मैं आपको क्विक यानी इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको 5 तरीके से आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन मनी कमाना है यानी आपको नेट से पैसे कमाना है तो आपको बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है जिसको आप स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर यानी लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको नेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और जो है आपके पास टाइम होना चाहिए। ये तीन मेन चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तीन चीज़ें तो आप फ्री टाइम में पार्ट टाइम में ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर ये तीनों चीज़ें तो पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए आपको जीमेल पे अपना अकाउंट बनाना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको ये 5 साइट पर अगर अर्न करना हो। उसके बाद आपको पेपल पे अकाउंट बनाना होगा या एडसेंस में अकाउंट बनाना होगा। मैं आपको बता दूंगा कौन से साइट पे पेपल या कौन से साइट पे एडसेंस अकाउंट बनाते हैं। और बैंक का अकाउंट चाहिए, ये मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये है तो आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 जो भी है कि ऑनलाइन अर्निंग पैसे कमाने के 5 तरीके बताऊँगा। तो जो 5वें नंबर पर आता है वो आता है PTC यानी पेड टू क्लिक। PTC का मतलब सिंपल मीनिंग होता है कि आप क्लिक कीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट देखिए जो कि 5 से 30 सेकंड का होता है और अर्निंग कीजिए। आप अगर कोई साइट इनके साइट पे जाओगे जो मैं आपको बताऊंगा, जो 2 ट्रस्टेड साइट है उस पे जाओगे तो आप उस पे आपको बहुत से एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे जिस पे आप क्लिक करते आपको एडवर्टाइजमेंट देखने मिलेंगे। आप ये एडवर्टाइजमेंट को देखोगे तो आपको 0.01 करके ऐसा डॉलर के हिसाब से आपको, आप समझिए अगर 3 से 4 घंटा कंटिन्यू काम करते हो तो आप 1 मंथ में कंटिन्यू 10,000 रुपीज़ तक कमा सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए कि आपको इसमें इजी और फ्री रजिस्ट्रेशन है ये साइट पर जाके, इसमें कोई टेक्निकल स्किल नहीं लगता है और आप डे 1 से कमा सकते हो। सिर्फ आपको जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और पेपल के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये पेपल अकाउंट और जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप इस पर जाके आप अपना अर्निंग कर सकते हो PTC में। इस पर जो आप, मैं आपको 2 साइट बताऊंगा जो कि ट्रस्टेड है यानी कोई भी फेक वगैरह नहीं होता है। जो सब पहला साइट है वो है नियोबक्स। ये जो नियोबक्स का साइट है इस पर आप सेम जो ये PTC का वर्क कर सकते हो, ये अच्छा साइट है। और जो दूसरा है वो क्लिकसेंस, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट और सर्वे की साइट है। इस पर भी आप PTC करके जो है ये वर्क कर सकते हो। अगर आप इसमें डेली अगर काम करते हो डेली और 3 से 4 घंटे अगर काम करते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम भी काम करते हो तो आप आराम से 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की यानी नेक्स्ट 4th नंबर की जो मैंने अपने लिस्ट में रखा है, वो है फ्री पेड सर्वे। यानी आप सर्वे कंप्लीट कीजिए और पैसे कमाइए। इसमें क्या होता है कि आपको आपको ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी पे सर्वे भेजा जाएगा। जो सर्वे अगर आप पूरा करते हो तो आपको उन सर्वे के हिसाब से 50 से 3650 रुपीज़ यानी आपको $10 से उनके सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको उसमें भी पैसे मिलेंगे। इसमें क्या करना होगा, आपको जीमेल आईडी पे आपको अकाउंट बना के आपको इनके साइट पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको आपके ईमेल आईडी पे सर्वे भेजा जाएगा जिसे पूरा करने पे आपको पेपल या पेजा के थ्रू आपको पेमेंट किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि मल्टीनेशनल जो मार्केटिंग कंपनी है वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कि आप क्या सोचते हैं। आप उनके प्रोडक्ट को, उनके पूछे गए सवालों को आप क्लिक करके आप जवाब दे सकते हो, मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में ये करके आपको जो नॉलेज है। उसके बाद आप सर्वे कंप्लीट करते हो, सक्सेसफुली सर्वे कंप्लीट करते हो तो रिवार्ड के रूप में वो आपको कैश या गिफ्ट वाउचर देती है वो साइट। अगर मैं आपको साइट बताऊँ जो कि ट्रस्टेड है, उसी हिसाब से मैं आपको सबसे पहले क्लिकसेंस के बारे में बताऊँगा जो कि अच्छा साइट है, और दूसरा जो है वो स्वागबक्स। ये 2 साइट पर आप सर्वे के जो ऑनलाइन काम कर सकते हो सर्वे के रूप में, ये 2 साइट्स बहुत अच्छी और ट्रस्टेड साइट है। और जो 3रे नंबर पर आता है मेरे इस लिस्ट में वो है ब्लॉगिंग।
ये बहुत अच्छा सजेशन मैं करता हूँ कि सभी को ब्लॉगिंग करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग करने से क्या होता है, आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, वो आप शेयर कर सकते हो। इसमें क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना होगा, या आपको डोमेन बाय करके आपको उसमें एक वेबसाइट बनाना होगा, जिसमें आप अपना जो भी थॉट्स है, अपना जो भी नॉलेज है, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर कर सकते हो ब्लॉग करके, यानी टाइप करके। अगर आपके ब्लॉग को या आर्टिकल्स को कोई पढ़ता है, तो आपको ट्रैफिक, मतलब आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, और व्यूवर्स बढ़ने के बाद आप क्या करोगे कि मोनिटाइजेशन ऑन करोगे, जो कि एडसेंस या एड हिट्स करके साइट आती है, उससे आपको लिंक करना होगा। वो करने पे क्या होगा, आपको अर्निंग भी होने लगेगी। इसमें क्या करना होगा कि आपको सबसे मेन, आपको बताओ कि ब्लॉगिंग में कुछ स्टेप है जिसको आप अगर कम करते हो, तो आपका जो ब्लॉग है वो अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप कौन से चीज़ पर ब्लॉग लिखना चाहते हो, यानी आप पहले सबसे थीम और पर्पस को सेलेक्ट कीजिए कि आप कौन से थीम को, यानी कौन से चीज़ को आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो उसे सेलेक्ट कीजिए और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करके आप आगे बढ़िए। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो कंटेंट लिखते हैं वो बहुत वैल्यूबल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि आप व्यूवर्स को दे रहे हैं। अगर उन्हें उससे फ़ायदा होता है, तो वो आपकी साइट पे फिर से आएंगे और आपके दूसरे भी जो ब्लॉग या आर्टिकल्स है उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद आप एक्सप्रेस कीजिए कंटेंट में आप क्या बताना चाहते हैं, अपना थाट्स आप बताइए। उसके बाद आप मार्केटिंग भी कर सकते हो अपने ब्लॉग पर, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, मोनिटाइजेशन को अनेबल करके आप ऐड के थ्रू आप कमा सकते हो, उसमें भी अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं लोग, 20 से 25,000 रुपीज़ मंथली कमा रहे हैं। फुल आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम कीजिए, और सबसे पहले लर्निंग, यानी आप सीखे कैसे करते हैं, उसके बाद अर्निंग सोचिए। आप डायरेक्ट अर्निंग सोचेंगे तो आपको डायरेक्ट अर्निंग नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग से भी आप अच्छी खासी मनी कमा सकते हो, ये भी ऑनलाइन बिजनेस का अच्छा तरीका है। और जो दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आपको सेल करना होता है। इसमें क्या करना होगा, उनके प्रोडक्ट या कोई भी, समझे स्नैपडील, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी है जो कि ऑनलाइन में सामान बेचती है, उनके प्रोडक्ट के लिंक आप अपने सोशल मीडिया या जो भी आपका जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप अगर बेचते हो, तो आपको 100 में से 5 या 15% कमीशन मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपको, समझिए 1,000 रुपये के प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपको 50 से 150 रुपीज़ मिल सकते हैं। ऐसे आप अपने प्रोडक्ट पे, मतलब अपने वेबसाइट या सोशल मीडिया साइट पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करके आप कमा सकते हो। अगर आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स या फैंस ज़्यादा है, फ्रेंड सर्कल में अगर आप अच्छे खासे पॉपुलर हो, तो आप ये काम कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। बस आपको एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू जो भी, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, जैसा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील जैसी कंपनी हो गई, उस पर आप एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अपना अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बैंक डिटेल वगैरह या ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना अकाउंट बना सकते हो। उसमें वेबसाइट, अपना जो भी वेबसाइट है, या आप सोशल मीडिया यूट्यूब से कर रहे हो, तो उसके लिंक कनेक्ट करके आप वहाँ से आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हो। उससे आपको कमीशन जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट होगा। एफिलिएट मार्केटिंग भी इजी वे है, आप मार्केटिंग कर सकते हो। और जो मैंने पहले नंबर पे रखा है, वो रखा है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब एक ऑनलाइन अर्निंग का सबसे बेस्ट सोर्स है। इस पर बहुत से लोगों ने अपना करियर बनाया है। यूट्यूब पे क्या होता है कि आपको सिर्फ वीडियो अपलोड करना है, आपको व्यूज और जो भी आप मोनिटाइजेशन करते हो उससे आपकी अर्निंग होगी। यूट्यूब में क्या होता है, आपको सिर्फ ईमेल आईडी यानी जीमेल अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है, तो बस आपको क्या करना है, जीमेल अकाउंट से आपको चैनल क्रिएट करना है। यूट्यूब पे जाके ऊपर एक पेज होता है, वहाँ पे क्रिएट चैनल करके आप चैनल बनाइए, उसे मोनेटाइजेशन अनेबल कीजिए, आप एडसेंस पे अकाउंट बनाइए। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, कुकिंग पे वीडियो बनाते, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप इंटरेस्ट रखते हो, तो उसके वीडियो बनाइए और शेयर कीजिए। अगर लोगों को वीडियो पसंद आता हो, आपका वीडियो वायरल हो गया, या आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो ऐसे ही आपको व्यू मिलेंगे, और व्यू के साथ आपके वीडियो पे ऐड भी चलेंगे, जिससे आपको अर्निंग होगी। इस पर 1,000 व्यू पे कुछ $1 के हिसाब से मिलता है, ऐड के हिसाब से देखा जाए तो। अगर इस पर आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हो या अच्छा कंटेंट देते हो वीडियो के थ्रू, तो आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और आपको इनकम भी अच्छे आने लगेंगे। यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है।
यूट्यूब पे मैं कैसे चैनल बनाते हैं या क्या है, मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे। ये मेरे टॉप पे टॉप नंबर वन पे इसलिए मैंने यूट्यूब पे रखा। ये टोटल 5 तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। बस आपको क्या ज़रूरत है, आपको फ्री टाइम है, आपको टाइम यूज़ कीजिए। अगर आज का वीडियो जो कि टॉप 5 अर्निंग के सोर्स यानी आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपको देते रहूँगा, और अगर आपको कुछ वीडियो में परेशानी हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले।